डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पर्सन है, व्हाट इज़ द गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्या होता है, ये बेसिक फंडामेंटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इस वीडियो के अंदर इसको हम पूरी अच्छी तरह सीखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट से, ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई नाम के अक्षर से लिखते हैं, फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। जैसे एक ये सरफेस ले लिए, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज सरफेस ही, इसको ज़रूरी नहीं कोई वेल डिफाइंड शेप हो, ये बंद होना चाहिए जी कैसे भी हो। इसको हम आर्बिट्रेरी भी बोल देते हैं, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर रखा है ये, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि चंद्रमा पर रखा है, इज, देखो अब तक जो हमने अक्सर पढ़े हैं उनको देखो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। डियर स्टूडेंट, जब भी सरफेस इंटीग्रल बोल रहे हैं तो सरफेस को हम एस नाम के अक्षर से लिखते हैं, और साइंस के अंदर पहले छोटी चीज़ के लिए पढ़ी जाती है तो डी एस लिखेंगे, और इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन का निशान। तो ये बन के देखो, द सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। समझ में आ गई, सारी चीज़ लिख रखी है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, डॉट 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 क्यू एन तक इसके अंदर चार्ज बन रहे हैं। तो कोई पूछा भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती, फ्लक्स का मतलब होगा बहाव। जैसे ऐसे समझोगे, हमने कोई एक रसगुल्ला ले लिया, उसके अंदर क्या चीज़ भरी हुई है, चाशनी है। उस रसगुल्ले को जब हम ऐसे यूँ दबाएंगे तो उसके अंदर बारीक बारीक जो होल्स हैं उन सब के अंदर से रस बाहर आएगा। इसी तरह रस को समझ लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि जैसे इसके अंदर, इसमें भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इनके अंदर से लाइंस बाहर निकलती रहती हैं। तो कोई पूछे कि नेट लाइन कितनी बाहर निकलेंगी, उससे संबंधित ये ला होता है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसमें एन चार्जेज बंद है, तो इसको सबके जोड़ के बराबर होगा, तो क्यों नेट का मतलब है सबका जोड़। तो इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ, देखो सिग्मा लगा के आई इज इक्वल टू वन टू एन, आई की जगह वन रखो तो क्या बनेगा क्यू वन, यहाँ पर दो रखोगे तो क्या बन जाएगा क्यू टू, क्यू थ्री, डॉट डॉट क्यू एन। तो ऐसे हम शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी लिख देते हैं। और ये जो सारी चीज़ें, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मैंने नाम बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब भाव होगा, वो इस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होता है ई इंटू डी एस, इसको हम फाई से भी लिख सकते हैं। तो ये होगा क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे मैं क्यू नेट भी लिख देता हूँ। ये तो थी इसकी स्टेटमेंट, शायद समझ में आ गया। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है कि कोई एक चार्ज ले लो, और चार्ज जब भी कोई चार्ज होगी तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वास्तव में होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो उसको समझाने के लिए हम एक इमेजनरी सरफेस बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस एक खींचते हैं हम, जैसे ये था, तो इसके चारों तरफ हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींच लिया। गॉसियन सरफेस होता है वो इमेजनरी होता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पे हमने कोई अगरबत्ती लगा रखी है, और इस अगरबत्ती की जो खुशबू है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अभी कहाँ तक है। तो हम ऐसे ही इसके चारों तरफ 10 आदमी इकट्ठे कर दें, हाँ भाई सुन के बताओ आ रही खुशबू, वो गए हाँ भाई यहाँ तक आ रही है। तो हम एक ऐसी है ना, एक इमेजनरी एक ऐसी लाइन सी खींच दें भाई, यहाँ यहाँ तक अगरबत्ती खुशबू थी। तो ऐसे समझोगी एक कोई अगरबत्ती टाइप की है, इसके अंदर चारों तरफ से खुशबू निकल रही है, तो हमने एक एरिया खींच दिया कि भाई यहाँ यहाँ तक होगी, ठीक है। ये इमेजनरी चीज़ होती है, ये गॉसियन सरफेस इसलिए खींचा जाता है कि ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकें। तो वही चीज़ लिखिए, देखो लेट के ओ बी ए चार्ज, ड्रा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और कंसीडर स्मॉल एरिया डी एस, ये था पूरा एरिया एस, गोला का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr². लेकिन साइंस के अंदर, साइंस कहती है कि पहले छोटे के लिए पढ़ो, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये तो पूरा तो एस है ये, तो इसका छोटा एरिया ले लिया हमने डी एस। डी एस एक एरिया है ये भी, इसको हम एरिया वेक्टर बोल लेंगे, अभी समझाऊंगा इसको। तो डी एस स्टूडेंट, देखो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो देखो इधर भी मैग्नीट्यूड है, इधर भी मैग्नीट्यूड है, बात ओके है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे तीर का निशान लगा दूँ तो इसके अंदर डायरेक्शन भी आ गई, लेकिन उधर तो डायरेक्शन आई नहीं। तो डायरेक्शन देने के लिए हमने यूनिट वेक्टर बना रखे हैं। यूनिट वेक्टर का मान तो एक होता है, लेकिन वो इसको डायरेक्शन दे देता है। अगर मैं इससे भी गुणा कर दूँ तो इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड आ गई और डायरेक्शन आ गई है, तो दोनों इक्वेशन हमारी बराबर होगी, इधर भी एम डी, इधर भी एम डी, इसकी वजह से। उसके बाद देखो कंसीडर स्मॉल एरिया डी एस, तो डी एस को मैं ऐसे लिखूँ, डी एस बराबर डी एस,
तो तुम कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे तीर का निशान लगा दिया इसको, इसमें डायरेक्शन भी आ गई, लेकिन उधर तो डायरेक्शन है नहीं। तो एरिया वेक्टर को हम एन से लिखते हैं, और ये एन कैप हो गया, इसका मान तो एक है, लेकिन इसने फ्री में अपनी डायरेक्शन इसको दे दी, तो ये भी एक वैक्टर क्वान्टिटी बन गई। यानी कि मैं डी एस को अब ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो डी एस के साथ मैंने ये दिखा दिया एन कैप, ये थी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको जैसे डायरेक्शन मिल गई तो क्या बन गई है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाते हैं, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे ही समझ लो। अब कोई पूछे आपसे भाई इनके बीच में एंगल कितना है, तो वो दोनों सर सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री होगा। और ए डॉट भी होती है हमारी, जो वैक्टर प्रोडक्ट होती है, ए बी कोस थीटा। यहाँ पे आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू, इसका मान कितना होता है एक, इसका मान भी कितना एक इंटू कोस जीरो, और कोस जीरो का मान भी कितना होता है एक। तो जब ये कहीं फैक्टर आएगा तो मैं एक लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ई इंटू डी एस, और ये हमने सिद्ध करके दिखाना है कि ई इंटू डी एस था वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, क्योंकि हमारा जो ये जो सरफेस बंद है इसके अंदर तो खाली क्यू ही बंद है, तो हम खाली क्यू के हिसाब से पढ़ लेंगे, यानी कि उत्तर में आना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो भाई डॉट प्रोडक्ट को खुलवाओ या इसका मान रखवा दो, ई का मान है ये वाला के क्यू बटे आर स्क्वेयर इंटू आर कैप इंटू डी एस का मान बता दो। तुम कहोगे सर डी एस का मान, देखो ये जो आर कैप है मैं थोड़ी स्पीच से लिख दे हूँ, फिर है अपना डी एस, डी एस का मान है ये वाला डी एस इंटू एन कैप, समझ में आ गई। ई का मान रखे हो इसका आर थोड़ी दूर लिख दिया, डी एस का मान रखे हो उतना रख दिया, और इसका हमने कहा ना इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल गया कि इसके बराबर है एक के बराबर, क्योंकि हमने वापस सीध कर रखा है। तो आगे ई इंटू डी एस इज इक्वल, जो कांस्टेंट सारे बाहर काट लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, के का मान 9×10^9, चार्ज भी फिक्स है, ये भी सारी चीज़ फिक्स है। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कांस्टेंट का तो होता नहीं, इसका होगा डी एस का, और डी एस का क्या होता है, डी एस का होता है एस, तो होगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू एस। और गोले का एस कितना होता है, गोले का एस होता है यानी कि स्फीयर, गोला मीन्स स्फीयर, 4πr², तो ये आगे अपना इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 4πr². आप देखो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, और क्या क्या चीज़ बच गई अपनी, के का मान बता दो, के का मान पढ़ लिया हमने 1/4πε₀₀ होता है इंटू क्यू, और एक ये 4π बच रहे हैं, 4π काटो भाई, 4π से 4π कट गया, ये सारी चीज़ जो थी ये आ गई ई इंटू डी एस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी बात को हम फाई भी लिखते हैं, इज इक्वल टू फाई, देखो ये चीज़ सीध होगी, ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस, ये इसका प्रूफ हो गया। दो नंबर माओ तो इतना कर देना, उसके बाद कई बार ऐसा आता है कि इम्पोर्टेंट है कि कोई एक एरिया बंद है, इसके अंदर एक डाइपोल बंद है भाई, तो अब नेट फ्लेक्स कितनी होगी, फाई। तो डियर स्टूडेंट, डाइपोल जो होता है उसके अंदर एक प्लस का चार्ज होता है और एक माइनस का चार्ज होता है, तो इज इक्वल टू 1/ε₀₀ इन टू क्यू नेट निकालवाओ, क्यू नेट, और 1/ε₀₀ इन टू क्यू नॉट हो जाएगा हमारा क्यू माइनस क्यू, और ये कट गए, उत्तर कितना होगा 0। तो ऐसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइपोल की वजह से कितनी होती है, तो हम कर देंगे 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा गौसला का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल प्रॉब्लम है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास थ्रू 1 कूलम्ब चार्ज, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा वी नो, बताओ भाई गौसला क्या होता है, वी नो गौसला फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, वो एक ही बात होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द चार्ज, ठीक है।
टोटल नंबर लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो देखो भाई कैसे करोगे सवाल, हाउ मैनी यानी संख्या बतानी है, इलेक्ट्रिक लाइंस को या फ्लक्स को, समझ गा। तो चार्ज कितने दे रखे, 1 कूलम, तो फाइव इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान याद कर लिया, 8.85 उन्हें 10 की शक्ति -12, इसको सोल्व करेंगे ये होगी 10 की शक्ति 12, और 1/8.85, एक को भाग करो इससे 8.85 से, तो देखते हैं भाई कितना आता है, तुम भी देख लो, 1/8.85। डियर स्टूडेंट्स ये आइए 0.112 पूरा तक ही ले लो, 0.112 गुणा 10 की शक्ति 12, लेकिन ये तो हमारा सही उत्तर नहीं हुआ, तुम बोलोगे और इससे सही क्या होगा, और इससे सही ये होगा कि हमारा जो दशमलव है ना, ये दशमलव कहता है भी मेरा घर ये नहीं है, मेरा जो सही घर है वो मेरा सही घर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको यहाँ लिख के आओ, तो इस दशमलव को जब इधर सरकाओगे तो हो जाएगा 1.12 गुणा, तो 10 की शक्ति जो 12 थी वो अब कितनी हो जाएगी, उधर लिख के जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हिसाब लगाओ इसका, 13 होगी या 11 होगी, शाबाश कितनी हो जाएगी 13, तो ये होगी हमारी प्लस की एक और, तो ये हो जाएगी 1.12 गुणा 10 की शक्ति 13, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि हम उनकी संख्या बतानी थी खाली। और अब देखो पेपर के अंदर घुमाते लेंगे, किसी से पूछ लेंगे कि 2 कूलम में कितना होगा, हमने यहाँ पे 2 लिखना है, 2 को इससे भाग करना है, किसी अलग कोड में पूछ लेंगे 3 कूलम में कितनी होता, 3 यहाँ लिख देंगे, समझ में आ गई, तो ये मेथड इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि घोसला के स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, घोसला जो है फ्लक्स से रिलेटेड होती है, कि जब किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद हो तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइंस निकलती हैं, ये हमारा घोसला। लेकिन अब हम इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे, तो स्पेशल केस कैसे पढ़ेंगे, जैसे जो मैंने ये जो रेड पॉइंट से दिखाई हमारा जो चार्ज है ये क्या हुआ है, तो इसके बाद 4 केस डिस्कस करेंगे, कि वैन द चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, इसके अंदर सेंटर के ऊपर है, उसके अंदर द चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ वन फेस, ये जो परली तरफ का जो फेस दिखाई दे रहा है उसके सेंटर पे है, चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ वन एज, एज का मतलब होता है किनारा जो इसके सेंटर के ऊपर है, और इसके अंदर चार्ज इज एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो हमने ये जो 4 केस हैं इनके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि भाई किस केस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सवालों को सोल्व करें उससे पहले एक चाबी ले लेते हैं ताकि ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा हमारे। चाबी है कि कवर द चार्ज टू मेक सिमेट्री, हमने उस चार्ज को कवर करना है सिमेट्री बनाने के लिए। सिमेट्री किसको बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं हम कि जैसे इधर जो मेरा हाथ है ऐसा ही इधर है, इनको हम सिमेट्री बोलते हैं, यानी कि जैसा हिस्सा इधर है ऐसा हिस्सा इधर हो तो इसको हम बोलते हैं बाई सिमेट्री, ठीक है। तो हमने उस चार्ज को कवर करना है सिमेट्री बनानी है एक, तो दूसरा कोई भी फेस या अकेला फेस हो या जितने भी कॉमन फेस हो जिनके ऊपर चार्ज रखा हुआ है उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये जो चार्ज रखा हुआ है ये कितने फेस को कवर कर रहा है, ये 3 फेस को कवर कर रहा है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो इसके 3 फेस को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो पैरेलल चलेगी और उसको हम हटा देंगे, ठीक है। बस ये 2 बात याद रखो और अपना काम शुरू करो, बहुत ही आसान चीज़ है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, हमारा फर्स्ट जो है व्हेन द चार्ज इज एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैं देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हम क्यूब समझ लो, ऐसे ये चौक का डब्बा ले रखा है, चार्ज जो है वो क्यूब की पहले पहचान देखो, क्यूब की सभी साइड्स बराबर होंगी, ये एक क्यूब के अंदर 8 कोने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 6 फेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4
एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ऐसे इसमें 6 फेस 8 कॉर्नर होते हैं। अब हमारा जो चार्ज है वो इसके सेंटर के अंदर है, यहाँ पे ऐसे मान के चलो वो इसके यहाँ पे सेंटर के अंदर है। तब देखो सिमेट्री बनी हुई है कि नहीं, ऑटोमेटिक सिमेट्री बनी हुई है। जैसे देखो यहाँ से भी इतनी दूरी है, यहाँ से भी इतनी दूरी, यहाँ से भी ऊपर नीचे सब कहीं बराबर दूरी है, तो हमें सिमेट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। कवर द चार्ज टू मेक सिमेट्री, इस केस के अंदर तो सिमेट्री बनी बनाई है। तो यहाँ पे हमारा जो घोंसला होता है वो यही है कि फाई क्यूब यानी कि पूरी क्यूब में से कितना जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही घोंसला भी तो यही है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, फाई थ्रो ईच फेस, ईच फेस में से कितना जाएगा। अब देखो हमारा जो ये चार्ज है किसी भी फेस के टच नहीं कर रहा है, 6 के 6 जो फेस हैं वो फ्री है, किसी के साथ ये कॉमन नहीं है, तो सीधी सी बात है 6 के 6 फेस में से जाएगा। तो कितने फेस हैं, 6। कोई पूछे एक फेस में से कितना जाएगा, तो इसको हम 6 से भाग कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, उसके अंदर ये रूल लागू होंगे, आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। अगेन देखो, व्हेन द चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ वन फेस, तो डियर स्टूडेंट समझाने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो ये एक फेस है, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको इससे, कि जो चार्ज है हमारा अब ये यहाँ पे आ चुका है, ये चार्ज यहाँ पे है, चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ वन फेस। तो क्या रूल लगाओगे? रूल ये लगेगा, कवर द चार्ज टू मेक सिमेट्री, इस चार्ज को हम कवर करेंगे सिमेट्री बनाने के लिए। तो देखो अब ये कवर कब हो जाएगा, जब ऐसा का ऐसा, जैसे ये मान के चले क्यूब ही है, इसके पीछे और पूरी सी चीज़ है, इधर भी मैंने क्यूब लगा दिया, तो ये इसको कवर कर देगा देखो। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अब दो हिस्सों में नहीं बटकी, देखो इसमें भी बटकी और इसमें भी, लेकिन पढ़ नहीं था हमने इसके लिए, तो आधी आधी होगी थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जो हमारी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी आधी, तो जो हमने एक इमेजनरी, इसको इमेजनरी मान लो कवर करने के लिए था ये, तो आधी तो ये ले गया, तो इसके पास कितनी बच गई, आधी, आधी हमने ये लिख दी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आता है ईच फेस, ईच फेस को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने इसको सिमेट्री बनाई है इसकी, उसके बाद फेस और कॉमन फेस विद द चार्ज इज नेगलेक्टेड। देखो इस फेस को, इसकी के ऊपर है ये, इसको नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ से जो लाइंस फ्लक्स जो पैरेलल चलेंगी, बाकी सब के अंदर से जाएंगी, तो पैरेलल वाली को काउंट नहीं करते हैं। कितने फेस बच गए बताओ, 6 होते हैं, एक तो कॉमन है ही, उसको हम हटा देंगे, तो कितने बच गए टोटल, 5। तो इसको जो जो जा रही थी उसको कितने से भाग कर देंगे, 1/5 से ईच फेस से। ये केस भी समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अब डिस्कस करते हैं कि व्हेन द चार्ज इज एट द वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब है उसके एक कॉर्नर के ऊपर हो, तो टोटल क्यूब के अंदर से कितनी फ्लक्स जाएगी और एक फेस में से कितनी जाएगी। तो इसको समझेंगे हम, देखो ऐसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसी अरेंजमेंट बनाई है आपको समझाने के लिए, तो कैसे करेंगे इसको देखो। मान के चलो कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब के एक कॉर्नर के ऊपर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो, तो इसको मैं समझाने के लिए मैंने एक ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको समझाने के लिए करता हूँ कि मानो ये यहाँ पे इसके कॉर्नर के ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो अब हम रूल लागू कैसे, देखो ये वाला सीन है जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, चार्ज होगा इसके कॉर्नर के ऊपर है, तो रूल नंबर 1 लागू करेंगे, कवर चार्ज टू मेक सिमेट्री, क्योंकि इस चार्ज को हमने बिल्कुल सेंटर के ऊपर लेके आना है, बिल्कुल सेंटर पे जाना चाहिए जैसे ये होता था ऐसे ही, तो इसके लिए हमें ऐसी और चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे देखो मैं इसको बनाने के लिए मैंने एक ऐसी अरेंजमेंट बना दी है ये वाली। तो अब आप देखो ये जो चार्ज था ये हमारा, ये कितनों के टच हो गया, 1, 2, 3, 4, ठीक है, लेकिन अभी तो दिखाई दे रहा है, दिखाई देना बंद करना हमने, तो ऐसा ही हमने एक डब्बा और लगा दिया इसके ऊपर, तो अब ये तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो टोटल क्यूब कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4 और 4 इधर होगी, 8 होगी। लेकिन हमारा असली वाला तो ये था, देखो हमने तो अपना असली वाला पढ़ना है, तो इसके हिस्से में कितने आएंगे, इसके हिस्से में कितनी आएगी, 8 थे तो 1/8, तो हमने इसको 1/8 से इसके हिस्से में कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आएगी 1/8। समझ में आ गई बात। जैसे ऐसे देखो ये था, इसको कवर करो, कवर करने के लिए हमने वो जो डब्बा बनाया था उसके अंदर 3 और लगाए, तो टोटल हो गया 4, ये टोटल हो गया हमारे पास कितने हो गए, 4।
लेकिन अभी तो चार्ज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक डब्बा और आए तो ये आराम से सेंटर में आ जाएगा, फिर पूरी वैसे ही सिमेट्री बन जाएगी जैसे यहाँ होती थी। देखो ऐसे ऐसे ही इसके ऊपर एक डब्बा और आ जाएगा, बीच में चला जाएगा, तो कवर द चार्ज टू मेक सिमेट्री। ये तो होगी जी क्यूब के लिए। ऐसे ऐसे अब इसमें से ना जो अपना असली वाला उसने निकाल लिया करो, अपना असली वाला ये था। हाँ तो भाई इसके हिस्से में कितने आए, जैसे मान लो कि कोई चीज़ थी कि टोटल कोई चीज़ 80 थी, कितनों होगी 8 की, तो इसके बॉटम कितने होगी 10, समझ में आ गई बात, यानी कि 1/8। तो मैंने 1/8 लिख दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि फाइव थ्रो ईच फेस कितनी होगी। भाई ईच फेस के लिए ध्यान दो, इसमें रूल नंबर 2 लगाओ, फेस और कॉमन फेस विद द चार्ज इज नेगलेक्टेड, कि इसके साथ जितने भी कॉमन फेस हैं उनको हटा देंगे हम। तो कॉमन फेस कौन कौन से थे, देखो ये वाला था ना, चार्ज तो यहाँ रखा है, तो ये किस किस में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ये वाला इसमें भी कॉमन है, ये वाला इसमें भी कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट इन तीनों को नेगलेक्ट कर दो, बाकी कितने बच गए जिनमें ये है ही नहीं, एक तो ये इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है, ठीक है, और इनमें भी आ गया था, एक नीचे वाले में नहीं है, यानी कि तीनों में है। देखो 1, 2, 3 तीनों में है और तीनों में नहीं है, एक इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है और एक इसमें नहीं है, तो यानी कि बच गए अपने 3। तो इसको 1/3 कर देंगे, तो ईच फेस में से इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/24। इसको गुणा करेंगे तो 1/24 क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी थ्रो ईच फेस की। तो ये केस भी आपको समझ में आएगा। तीसरा वही रूल, वही दोनों बातें लगाओ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको। व्हेन चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ वन एज का मतलब जो चार्ज है वो एक किनारे के सेंटर के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलो ये हमारी किनारी है, ये इसके सेंटर पर यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। रूल नंबर 1 लागू करेंगे वही, कवर द चार्ज टू मेक सिमेट्री। डियर स्टूडेंट्स आप बताओ मेरे को ये कितने ऐसे लगेंगे कि कवर हो जाए। तो आप कहोगे सर एक डब्बा इधर लग जाएगा, एक, लेकिन ये तो इधर भी दिखाई दे रहा है, एक डब्बा इधर लग जाएगा, 2, 1 हो गया, 2 हो गया, और लेकिन ये तो फिर भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कितने डब्बे लगेंगे टोटल, 4। तो वो 4 डब्बे कैसे लगेंगे वो देखो भाई, इसको हम इससे समझते हैं कि जैसे हमारा ये वाला क्यूब है, और डियर स्टूडेंट्स ये क्यूब है और उसकी एक साइड जो है ना मैंने ये दिखा दी है, इसको आप समझाने के लिए इसने आप क्यूब समझ लो, और ये इसका मैंने यहाँ निशान लगा दिया, और ये वाला जो है इसको मैंने यहाँ इसको इसमें डाल दिया है। तो अब देखो ये 3 साइड को दिखेगा नहीं दिखेगा, देखो वो वाला इधर से भी दिखेगा, वो वाला इधर से भी दिखेगा, वो वाला इधर से भी दिखेगा, जो मैंने निशान लगाया था वो। अब इसको ढकने के लिए ताकि ये चार्ज दिखाई ना दे, ऐसी ही सिमेट्री बनानी हमने, ऐसी सिमेट्री बनाने के लिए इसको मैंने कितने से कवर करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इनको 4 से कवर करना पड़ेगा तभी ये दिखाई देना बंद करेंगे। तो देखते हैं भाई इधर का दिखना बंद हो गया, उसके बाद देखो दूसरा, ये इसका दूसरा वाला पार्ट भी देखो दिखाई देना बंद हो गया, और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसका जो तीसरा वाला भाग था, जो ये था, जो चौथा था, ये भी दिखाई देना बंद हो गया। अब बन गई ना देखो सिमेट्री, इसको चारों तरफ से कवर कर दिया गया है, हमने ऐसी सिमेट्री बना दी रूल नंबर 1 लगा के, कवर द चार्ज टू मेक सिमेट्री। लेकिन हमारा जो असली वाला था वो कौन था, ये था, जो हमारा असली वाला था वो ये वाला था, ठीक है, ये तो हम सब इमेजनरी हैं, उसको सिमेट्री बनाने के लिए थे। यानी कि आप बताओ इसके हिस्से में कितना आएगा, 1/4, तो इसको हम 1/4 से भाग कर देंगे जो हमारी स्टार्टिंग वाली होती थी, उसको जो क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन होती थी उस वाली को, जब ये चार्ज यहाँ से इधर आ जाएगा तो 1/4 कर देंगे। अब बताना हमने ईच फेस का, तो डियर स्टूडेंट आप देखो कितने फेस इसके अंदर कॉमन है, ये वाला इस साइड का भी कॉमन है, इस साइड का कॉमन है, तो जो 2 साइड कॉमन है, मेरे रूल नंबर 2 है फेस और कॉमन फेस विद द चार्ज इज नेगलेक्टेड, उनको हटा देंगे। तो इसके अलावा देखो इसमें 6 होते हैं टोटल, कितने बच गए 4, तो इसको 4 से और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या हुआ अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे हम जो स्पेशल केस है इनको हम पढ़ेंगे। ये जो मैंने चाबी दे दी आपको, चार्ज को कवर करो मेक द सिमेट्री, और जो फेस कॉमन है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे इसके अंदर देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला होता मान लो, तो कितने फेस में कॉमन है, एक इसमें और एक इसमें, बाकी कितने बच गए 4, तो
तो वन फोर्थ हम कर देंगे। क्यों इन दोनों को क्यों छोड़ा है, इसको भी हमने नेगलेक्ट कर दिया, इसको भी नेगलेक्ट, ये इसलिए कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनके अंदर पैरेलल चलेंगी और पैरेलल वाली को हम काउंट नहीं करते, इनके अंदर से जो बाकी चार बच गए इनमें से आउट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये जो शॉर्ट ट्रिक के साथ हमने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स, हैव अ गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो कुलामला से रिलेटेड है। कुलामला क्या होता है, कुलामला को सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। कुलामला जो है वो चार्जेस से रिलेटेड है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन किस प्रकार से काम करता है। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ का बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। उसका छोटा छोटा पार्ट क्या होता है, एटम, और एटम होता है न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह ही हमने कोई दूसरी एक ऑब्जेक्ट ले ली, दूसरी जो ऑब्जेक्ट ले ली उसका भी जो एटम है वो न्यूट्रल है। जब इन दोनों चीज़ों को आप रबिंग करेंगे, इन दोनों चीज़ों को बाय फ्रिक्शन, इनके जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर से उधर चले जाते हैं और बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसके पास मान लो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और ये बॉडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम अपने दिमाग के अंदर दो बातें रखेंगे कि जैसे एक बॉडी ये पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह ही हो सकता है कि ये कहीं कहीं से मैं चार्ज करके लाऊं ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, कहीं से मैं चार्ज करके लाऊं ये भी दोनों पॉजिटिव हो। तो अलग अलग हमारे पास ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, तो उनसे संबंधित हम पढ़ेंगे इनके अंदर। और जो चार्जेज होते हैं वो प्लस प्लस प्लस, जो प्लस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, माइनस माइनस आपस में रिपेल करते हैं, और प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्योंकि हमारे पास मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए कि कई होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है, ये दोनों प्लस भी हो सकते हैं, ये दोनों माइनस भी हो सकते हैं, ये एक प्लस एक माइनस हो सकता है, तो अलग अलग ऑप्शन है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अट्रैक्शन रिपल्सन। तो ऐसे जब भी मैं अब ये बार बार ये पेन नहीं दिखाऊंगा आपको, अभी इस बॉडी को समझाएंगे, इस बॉडी पर ध्यान नहीं देना हमने, इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है ना उसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का है माइनस का है। तो ऐसे ही जो चार्ज मैंने एक बॉडी का लिख दिया क्यू वन, दूसरी बॉडी का क्यू टू लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्लस लिखूँ या प्लस लिखूँ तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सन का। मैं यहाँ पे एक प्लस लिखूँ एक माइनस लिखूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ऐसे अपने पर्सन को इसके स्टेटमेंट को चलाते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी कि जो ये जो हमारे चार्जेस हैं इनकी गुणा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे गुणा होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच की दूरी कम ज़्यादा होगी उसे होंगे। इन्वर्सली का मतलब होता है कि दूरी अगर ज़्यादा होगी तो ये कम होगा, दूरी अगर कम होगी तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। इन्वर्सली के अंदर ये उल्टे काम होते हैं, अगर ये दूरी कम होगी तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा। और डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों ये हमारे जो रिलेशन आए हैं इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने के बाद ये बन जाएगी इक्वेशन, और इसको जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम छोटे के से लिखेंगे। छोटे के का मतलब है स्मॉल के इज द कुलाम कांस्टेंट। तो ये तो थी हमारी इसकी स्टेटमेंट, कुलामला क्या होता है। लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर में बन जाते हैं, उन सभी को आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्टिंग करते भाई के से, के का जो मान होता है वो होता है 1/4 πε0। देखो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और सी बना के ना ऐसे काट दिया करो, ई नहीं बनानी है, सी बनाओ पहले और फिर बीच में काट दो, इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट NOUGHT। तो अब देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ये भी खुद एक कांस्टेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी।
परमिटिविटी का मतलब ना कहीं से कोई अनुमति देना, जैसे ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम। अब सारी बात समझाएंगे, अभी बने रहो वीडियो के अंदर। और इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10^12। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ कितना होता है, उसके बाद आते हैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ। ये जो मैंने लिखी है सी स्क्वेयर बटे न्यूटन मीटर स्क्वेयर, ये कहाँ से आई? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो हमने फार्मूला लिखा था वो था हमारा एफ इज इक्वल टू के। अब इस के का मान मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, के कितना होता है 1/4π ε₀। जब इसको मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये आएगा हमारा एफ इज इक्वल टू 1/4π ε₀ Q₁ Q₂ / r²। और हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को मैं ऊपर लिख के जाऊँ, एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ लिख के आता हूँ और एफ को नीचे लेके जाता हूँ, और फोर जो कांस्टेंट है इनकी कोई यूनिट होती नहीं है। अब चार्ज जो है, चार्ज यूनिट होती कूलम, एक चार्ज ये होगा हो गया सी स्क्वेयर, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और दूरी की क्या होती है मीटर, तो ये होगी मीटर स्क्वेयर। तो हमारी ये यूनिट समझ में आ गई होगी। इसी तरह ही इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकालें, तो डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा चार्ज का होता है 80 जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/f और क्यू वन क्यू क्यू लिख लो चाहिए आर स्क्वायर। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता हमारा 80, फिर एक 80 दो 80 आ गई 80 80, एक मतलब एम्पियर होता है, फोर्स का होता है एम एल टी की माइनस दो, आर का होता है एल की दो। इनको हम सोल्व करके हमारा यहाँ से निकाल लेंगे, तो देखो ये बन गया एम, तो ऊपर जाएगा तो एम की शक्ति -1 और एम एल, देखो एल की शक्ति 3 होगी, 3 का मतलब हो गया एल की शक्ति -3, ऊपर लेके जाऊंगा तो, और टी की 2 ये रही, और ये जाके प्लस की हो जाएगी टी की 4 और ए की 2। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो 10+2 में डायमेंशन फार्मूला आते हैं उनके अंदर एक अक्सर फालतू आता है, 10+1 में आते हैं तो एम एल टी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन 10+2 के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म कई चैप्टर बढ़ जाते हैं, तो एक चीज़ और बढ़ जाती है, उसका नाम होता है ए। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा, वो हम कर लेना, वो भी ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता है। इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ और इसकी यूनिट बताओ, ये भी मैंने निकाल दी। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके मान को अब हम यहाँ पर रखेंगे तो के का एक नया मान और निकल के आएगा, इसको यहाँ पे सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 9 × 10^9। देखो याद करने का तरीका, जो पावर है वही यहाँ पे कांस्टेंट है, 9 × 10^9। और देखो के अंदर एप्सिलॉन नीचे था, ठीक है, तो एप्सिलॉन की जो यूनिट थी वो पलटी लग जाएगी इसमें, इसका मान कितना जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सीखो कि हमने जो मान रखा उसकी यूनिट यहीं पर रखी सी स्क्वेयर बटे न्यूटन मीटर स्क्वेयर, और ये इसको सोल्व करेंगे सारे को तो आएगा 9 × 10^9, और इसके भी पलटी नहीं लगेगी, बताओ ये वाला जाएगा। तो ये आगे हमारी एक बात, अब देखो कि जैसे ऐसे मान कर चलो कि हमारा एक चार्ज ये इनके बीच में एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जब इनके बीच में वैक्यूम आ जाए, वैक्यूम यानी कि इनके बीच में कोई भी मीडियम ना हो, वैक्यूम हो या एयर हो, तो फिर हम इसको इस फार्मूले से लिखते हैं। देखो जो हमने ये लिख रखा है एप्सिलॉन नॉट जो है व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस, तो हमारा फार्मूला ये वाला लिखे हैं, क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमने वैक्यूम को अलॉट कर रखा है, वैक्यूम को एयर को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों के साथ हमने ये लिखना है, ची एयर हो ची वैक्यूम हो एप्सिलॉन नॉट ही, क्योंकि अभी मैं देखो उधर पढ़ाऊंगा आपको इसमें कि जो वैक्यूम है इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 1.000, और जो एयर होती है उसको होता है 1.006, यानी कि नियरली इक्वल है, इसलिए हमने एयर और वैक्यूम का सेम बना रखा है। तो फॉर एयर भी लिखो चाहे वैक्यूम लिखो, एक ही बात होगी, एप्सिलॉन नॉट ही लिखना पड़ेगा। और एयर वैक्यूम के अलावा इनके बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ये चार्ज पार्टिकल थे, चार्जेस थे, इनके बीच के अंदर मैंने पानी डाल दिया, तो अब देखो बीच में मीडियम आ गया ना, पानी डाल दिया, कोई तेल लगा दिया, कोई ग्रीस लगा दी, कोई और चीज़ डाल दी, तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना थोड़ी रहेगा, वो तो कम हो जाएगा। तो यह भी ये प्रश्न बनेगा कि जैसे ही हम कोई मीडियम डालेंगे, मीडियम का मतलब फॉर एग्जांपल
वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ईटीसी कुछ भी हो गया, तो हमारा जो फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 1/k टाइम्स कम हो जाता है। ये कैसे कम होते हैं मैं सिखा रहा हूँ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, एक एक नंबर में आता है कि कितना कम होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ, सारे मान वान रख के खटपिट के। उसके बाद देखो ये मैंने आगे वही बात बता रखी है कि दोनों चार्जेस के बीच में मान लो कोई मीडियम आ गया, तब तो हमारी जो इक्वेशन होगी वहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, मीडियम के लिए हमने क्या चीज़ बना रखी है, एप्सिलॉन। तो चेंज हो गए सारे करेक्टर, जो एफ वैक्यूम होता था वो अब क्या हो गया, एफ मीडियम, यहाँ भी ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन नंबर 3 है और 4 को भाग कर लो, भाग करने के बाद ये वैक्यूम वाली थी ये ऊपर लिख दी मैंने, मीडियम वाले नीचे, इनको काटोगे जब सारी चीज़ कट जाएंगे, 1/4 ये सारी चीज़ सब कट जाएंगी, ये जो फोर्थ होगी ये सबसे ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगी एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, समझ में आ गई। और इसका एक नया नाम भी, इसको बड़े के से लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं डाईइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो यहीं से ही हमने जो प्रश्न बना दिया था हमारा कि एफ वैक्यूम ये कट पिट के इसके बराबर आया, ये इसके बराबर आया, ये इसके बराबर आया। तो कोई आपसे पूछे भी एफ मीडियम कितना होगा, तो के को तो नीचे आना पड़ेगा, इसको मीडियम वहाँ पे चला जाएगा। तो न्यू फोर्स जो होगा, जो फोर्स होगा वो कितना होगा, डिक्रीज इज 1/k टाइम्स। और इनके के मान याद कर लो, के का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भाई के का मान मेटल के लिए कितना होता है, तो के का मान मेटल के लिए होता है इन्फिनिटिव, वाटर के लिए 81 होता है, और एयर के लिए कितना होता है 1.006, वैक्यूम के लिए 1.000। यहीं से ही मैं आपको ये करवा दूंगा कि भाई जैसे दोनों एयर और वैक्यूम के बराबर कैसे होते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने के का मान उधर निकाला है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और वैक्यूम के लिए के का मान हमने लिखा है 1.000, एयर के लिए लिख रखा है 1.006। अब देखो यहीं से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पे मैं अगर एक लिखूँ वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट लगभग बराबर हो गए, इसी तरह एयर के लिए भी इतना होता है, तो ये भी नियरली इक्वल टू हो गए। तो इसलिए एयर और वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों ये लगभग बराबर होते हैं इनके लिए। और इसके अलावा जैसे फॉर एनी अदर मीडियम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लिया, तो वाटर कितना होता है 81, तो ये होगा 81 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान लिख दो 8.85×10^-12, तो इनको जो हम गुणा करेंगे वो इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो और इन सब के लिए एयर और वैक्यूम ने छोड़ गए, बाकी जितनी भी चीज़ बच गई सब के लिए हमने एप्सिलॉन यूज़ करना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद करना है, एक नंबर का है कि व्हाट इज़ द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल, वो हमने लिखना है इन्फिनिटिव। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।